जीती रहो बेटा। और बहू कैसे हो? बैठो बेटा। मैं तो ठीक हूँ पिताजी, मटरू कैसा है? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटी, मटरू बिल्कुल ठीक है। पिताजी वो 2 दिन का कह के आए थे और उन्हें पूरे 7 दिन हो गए यहाँ आए हुए। आपको पता है पूरा घर बिखरा हुआ है, मेरे सारे कपड़े धोने वाले पड़े हैं, ऑफिस में मुझे पुराने कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं, घर में ना तो झाड़ू लगा है और ना ही पोछा। हद तो तब होगी जब मुझे 7 दिन तक लगातार होटल से खाना मंगा के खाना पड़ा, और तो उस खाने की वजह से मेरी तबीयत और खराब होगी। हाँ हाँ बेटी, मैं सब समझता हूँ, तू उसे आज ही साथ ले जाना। वो अपने गांव में अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए गया है, आता ही होगा। ये ले, आ भी गया। कब आई? मेरे बिना मन लग गया था क्या? नहीं जी, आपकी बहुत याद आती थी। आप 2 दिन का बोल के आए थे और पूरे 7 दिन रुक गए। बेटा मटरू, जल्दी से तैयार हो जा, तुझे बहू लेने आई है। बापू, मैं 10-15 दिन और रुकूंगा। नहीं नहीं जी, हम अभी घर चलेंगे। आपको पता है कौन घर का झाड़ू करेगा, कौन पोछा करेगा, और होटल का खाना खा के तो मेरी तबीयत खराब होगी है। आप एक काम करिए, अंदर जाके जल्दी से तैयार होके आ जाइए, हम अभी चलेंगे। मगर रिया, मेरी वो पैंट कमीज है ना, वो बाजार में बापू ने सिलवाने के लिए दी थी, वो भी नहीं है अभी तक। देखो जी, मैं आपको सरसा से एक रेडीमेड पैंट कमीज दिलवा दूंगी, आप तो बस जल्दी से तैयार होके आ जाइए। ठीक है रिया, मैं तैयार होके आता हूँ। और बहू, तुम्हारी सर्विस कैसे चल रही है? पिताजी अभी तक तो मैं डीसी रेट पे थी, पर अगले महीने से बैंक में मैं पक्की हो जाऊंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटे। चलो रिया, मैं तैयार हो गया। ठीक है पिताजी, हम दोनों अब जा रहे हैं। ठीक है बेटा। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, माइके की कभी ना याद आए, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले।